कितने बच्चे हैं आपके? आठ। तो आठों की शादी ब्याह की? हाँ। इसी माटी से? हाँ। इसी माटी से आठों की शादी ब्याह की? हाँ। तो इसी कुल्लड़ उल्लड़ बना इसी माटी कैसे कैसे किया? बड़ी खर्चा चला पाते हो? खर्चा चलाते पर जीवन काटने के लिए सौ दो सौ बढ़ा देता है, सौ दो सौ। वही में काकी है आप हो तो जिंदगी जैसे गुजर बसर करते हो। उम्र कितनी हुई काका? अस्सी टू पड़े। अस्सी टू पड़े, अस्सी दो बयासी। अच्छा, तो अब तो हाथ पैर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब उठ है या? अच्छा, काम वाम करने में? हाँ। तो यही रात में सोना, ठंडी गर्मी बारिश सब यही? हाँ, मैं झोपड़ी में सो जाता हूँ। झोपड़ी में? हाँ। अच्छा, वो छोटी सी झोपड़ी है? हाँ। इसी में रात आत काट लेना। हाँ। ये नहीं कि बूढ़े बाप हैं तो उनकी सेवा करे। हम ना चाह रहे सेवा। आप सेवा नहीं चाह रहे ना? अरे कमा तो कमा के देते रहो। अच्छा, हाँ। अस्सी साल के हो गए तो अब तो हाँ हाथ पैर तो कम। चलो दे दो, बहुत तेरा दे दिए, बहुत दे दियो जी। ओ हम तो उनकी सूची कह रहे। अच्छा, जब प्लॉट में तो ईंट फेंक के मार दो। हमने आपको ईंट मारा? दीपावली पर जो लोगों के घरों को रोशन करते हैं, जो लोगों के घरों में दीप जलाने का काम करते हैं यानी दीपक बनाते हैं, उनकी दिवाली कैसी होती है, उनका त्यौहार कैसा होता है, उनका करवा चौथ कैसा होता है, ये जानते हैं। दरअसल मशीनरी के युग में अब मिट्टी के दिए बिकने कम हो गए, करवा चौथ के जो कलश बनाए जाते हैं वो कलश भी बिकने बहुत कम हो गए। तो कुम्हारों की जो जिंदगी है वो बड़ी संघर्षमय पूर्ण हो गई है। कुम्हारों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो अपना पुश्तैनी कारोबार जो है वो बचा सकें और उसे किसी भी तरह से चला सकें, क्योंकि शहरीकरण के कारण उन्हें मिट्टी मिलने में मुश्किलें आती हैं। कई बार शहरीकरण के कारण उन्हें कारोबार करने में मुश्किलें आती हैं। शहरीकरण के कारण, आधुनिकीकरण के कारण लोग मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के पात्र लेना कम कर दिए हैं। ऐसे में उदयराम काका की जिंदगी कैसी है, उदयराम काका की चाक कैसी चलती है, उदयराम काका कैसे अपने परिवार का भरण और पोषण करते हैं, उसके बारे में दिखाएंगे। अभी अगर आप देखेंगे तो एक नाले के बगल में ही पूरी की पूरी जिंदगी उदयराम काका की यहीं पर बीत जा रही है। एक छप्पर डाले हुए उदयराम काका अपनी पूरी जिंदगी को यहीं व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो वही भट्टी है जहाँ पर वो बर्तनों को पकाते हैं, मिट्टी के बर्तनों को पकाते हैं। थोड़े कुल्हड़ हैं, थोड़े सामान हैं, वो आप सब देख सकते हैं। वो कुल्हड़, वो सामान भी अब चूंकि पॉलीथीन इतना हो गया है, अब बहुत सारे रैपर के, कागज के इतने बर्तन आते हैं तो इसके कारण से कुल्हड़ भी बिकने बहुत कम हो गए हैं। तो इसलिए संघर्ष के उस दौर में आज भी उदयराम काका अपने पुश्तैनी काम को छोड़ते नहीं, क्योंकि इस माटी से उनका नाता है, इस माटी से उनका रिश्ता है। और उदयराम काका सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं, अब जिंदगी इस माटी के साथ शुरू हुई है तो जिंदगी इस माटी के साथ ही खत्म होगी। इससे कैसे रिश्ता तोड़ दें, इससे कैसे नाता तोड़ दें, जिस माटी ने बचपन से अभी तक पाला और पोषा, बड़ा किया, अब बुजुर्ग हो गए तो जैसे तैसे दो चार साल की जिंदगी है वो कट जाएगी। तो आइए उदयराम काका से पूछते हैं वो पूरी कहानी। काका की ये झोपड़ी है, इसी झोपड़ी में ठंडी गर्मी बारिश में अपना समय व्यतीत करते हैं और किसी तरह से मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन को उपार्जन करते हैं। देखिए यहाँ बैठे हुए हैं और आंखें तो एकदम झुर्रियों से हैं, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, हाथ को अगर देखेंगे तो हाथ की उंगलियाँ भी जो है काका की माटी से सनी हुई दिखाई देगी, क्योंकि माटी में ही काका का जीवन शुरू हो गया। काका राम राम, बैठ जाएं? टूटेगी तो नहीं चारपाई? इतनी मजबूत है? मजबूत है, आज बनाई है मैंने। आज ही बनाई है? अच्छा, बेकार हो जी, तो ऐसा ना हो आज ही चरमरा जाए। आज ही बनाई रुकवानी है? हाँ, चल जाएगी, चल जाएगी। हाँ, तो देखिए अगर शहर में कोई चीज टूटती है, शहर में अगर कोई चीज नुकसान होती है तो लोगों को दर्द होता है। काका मुस्कुरा के कह रहे हैं कि नहीं, आज चारपाई बनाई है, टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कई साल से काका ये कर रहे हैं कुम्हारगिरी? पूरी जिंदगी है कैसा? पूरी जिंदगी? हाँ। अच्छा, और दस साल के थे गधा ला दे? दस साल के थे? हाँ। तब से गधा ला दे? गधा ला दे, मतलब गधे पे मिट्टी। डोकरा ने सही करना डंडे, ये पड़ोसी ने सिखाए। डोकरा ने नहीं सीखने दिया? हाँ। काहे?
नौरगावाड़ के झंडे वाले हैं। अच्छा अच्छा, एक पड़ोसी ने सिखाई। पड़ोसी ने? हाँ। अच्छा, पड़ोसी के घर सीखने लगे। हाँ। तो और कोई काम नहीं भाया? ना, ये पुश्तैनी काम था। जो अपनों काम है बाबूजी, वही काम करना पड़ेगा। अच्छा, हमारा मुश्किल काम है जी। अच्छा, मुश्किल काम है। तो पहले शुरुआती जो आदमी पैसा वाला हाथ है वो तो कर चुका दी, वो पैसे वाला कुछ भी कर लेगा। हाँ, गरीब आदमी तो भाई काम कर रहा है वो। जी जी, हाँ बस। तो पहली बार जैसे 10 साल की उम्र में आपने किया था, तो क्या कुल्हड़ बनाया था, क्या बनाया था? आके नहीं, फिर मिट्टी बनाई मैंने। आके मिट्टी बनावा तू? मिट्टी बनाते थे। अच्छा, तो बाजार में जाके क्या सामान बेचा था आपने? हमने कुल्हड़ धरे, हलवाइन किया। हलवाइन किया, कई रुपए मिले होंगे? जब दो रुपए सैकड़ा जाते, दो रुपए सैकड़ा तब जाते थे। हाँ। अरसे की बात आप बता रहे हो। हाँ। अच्छा, अभी ना खरीद रहा कोई? अब खरीद ही नहीं रहा कोई। बस पहले तो कम से कम 2 रुपए सैकड़ा चले। हाँ। भी जाते थे। टमाटर तो कट जाते? हाँ, कट तो जाता था मिट्टी का। जब सामान बहुत आवतु, सामान आता था गजन के मिट्टी वाला आवते। जी जी जी, पनेठी तो कंडा लावते। अच्छा, पनेठी वहाँ दूर जाना कंडा लाने। हाँ। और मिट्टी कहाँ से लाते थे? मिट्टी आवरी तुम्हारे टिकरम कॉलोनी है। हाँ हाँ, खेत में ही। अच्छा, तो गधे पे लाद के लाते थे? गधे पे। जी जी जी। अच्छा, तब भी 2 पैसे का 2 आने का 2 रुपए का 5 रुपए कमा लेते भाई, बहुत भी 5 रुपए। हाँ। तो खर्चा चल जाता था? हाँ, चल जाता। 5 रुपए एक दिन में या महीने में? एक दिन में। एक दिन में? हाँ। तो घर की कमाई और फिर बाहर की कमाई। अच्छा, बाहर की क्या कमाई? बाहर की गधा लाद वो। अच्छा, गधा लादने का भी? हाँ, जैसे कच्ची ईंट होते हैं भट्टे में। हाँ, भट्टे में। हाँ। अच्छा, वो भी करते थे। हाँ। तो जिस समय 5 रुपए कभी जीवन में पहली बार मिला होगा तो मन तो बड़ा प्रसन्न हो गया होगा। जब काम पर पहने भाई? हाँ? जब काम पर पहने भाई, तभी काम पर जब आदमी पहना होता है तभी पहना हुआ कि आपको लगा अरे 5 रुपए मिल गए, ये तो हमने कमाल कर दिया। तो घर पे डोकर को पता चला होगा, पिताजी को? तो अरे हमको तो सारे माल वही खाएगा। सारा माल खाएगा डोकर ही। अच्छा। हाँ। खाए सारा माल खाएगा, हमारे छोटे को जाएगा सब। छोटे को दे गए? हाँ। आपको नहीं दिया ना? अच्छा, ये तो हाथ पैर बने रहे। हाथ के पैर बने रहे, फिर आपने मेहनत शुरू कर दी? मेहनत शुरू कर दी। अब हमको अकेले ही रहना, अकेले ही जिंदगी काटनी है। हाँ। तो फिर काका कैसे कैसे धीरे धीरे काम बढ़ाते गए? जब तक बाल समझदार है, जब तक ब्याह कमा लो। कितने बच्चे हैं आपके? 8। तो 8ों की शादी ब्याह की? हाँ। इसी माटी से? हाँ। इसी माटी से 8ों की शादी ब्याह की? हाँ। तो देखिए काका ये बता रहे हैं, उदयराम काका, कि इसी माटी से, इसी माटी की बदौलत कभी दिया बनाकर, कभी कलश बनाकर, कभी जो है कुल्हड़ बनाकर, और उन्होंने 8 बच्चों की शादी की। 8 बच्चों की, 1 बच्चों की शादी करना जहां जीवन में बड़ा मुश्किल होता है, काका ने इसी माटी से पूरे परिवार को पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा किया। अच्छा काका, कितने लड़के थे? कितने? 3 लड़की, 3 लड़का, 5 लड़की। 3 लड़के, 5 बिटिया। पांचों बिटियों का दान दहेज से विदा किया? हाँ। इसी कुल्हड़ उल्लड़ बना कैसे कैसे किया? बड़ी मुश्किल हो जाती है। मध्यम आदमी कच्चू कर दियो, अब तो तेजी में तो नो देखा कमाई मिला। अच्छा, पहले मध्यम में जैसे तैसे कर देते थे। हाँ। लेकिन आज तेजी में तो बड़ा वो है, कठिन है। और 15 महीना को कच्चा बनियान लाओ। कच्चा बनियान? हाँ हाँ, आजकल का ये हुआ। अच्छा, आजकल भी अगर बिटिया की शादी करो, गेस्ट हाउस तय करो, है ना, सुन मैंने कचुना करो। पहले तो जैसे तैसे गांव में, मैं तो अपने घर में करो। 5ों बिटिया की? हाँ। तो क्या क्या सामान देते थे दान दहेज में? स्टील का बर्तन चल रहे, स्टील का बर्तन बाकस था। हाँ। स्टील का बर्तन, बर्तन है, और तुम्हारे सोफा सेट है, पहले का कीमत थी पहले? अच्छा, तो ये सोफा सेट और ये सामान अमान देते थे? हाँ। अच्छा, कई बार कर्जा अर्जा में नहीं आ पाते ना, सब इसी से निकल जाता था? जाए थे। अच्छा, तो जवानी थी तो खूब मशक्कत भी करते थे, मेहनत भी करते थे? जी, खूब करिए सर मेहनत, अब तो कुछ ना करो। अब नहीं कर पा रहे हो? अब करेंगे का? उम्र कितनी हुई काका? 80 के ऊपर है। 82 पड़े? 82 82। अच्छा, तो अब तो हाथ पैर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तो है ही। अच्छा, काम वाम करने में?
तो यही रात में सोना, ठंडी गर्मी बारिश सब यही? हाँ, मैं झोपड़ी में सो जाता हूँ। झोपड़ी में? हाँ। अच्छा, वो छोटी सी झोपड़ी है। हाँ। इसी में रात रात काट लेना। हाँ। काका, अब जैसे बड़ी कंपनियां आ गई हैं और उनके बड़े सांचे बन गए, तो ऐसे में क्या जो है अब काम कम हो गया है? काम हो गया है बहुत कम की कम हो गया। ना मैं केमिकल तो मिल रहा हूँ मिट्टी में केमिकल। हाँ। अच्छा, न खा सके न पी सके, और तो कागज के यादा ले रहे हैं। अच्छा, जो मिट्टी के बर्तन है तो उसमें भी केमिकल है। हाँ। तो इसलिए लोग लेने से हिचकिचाते हैं। ना मिले के मैं ये वाले में नहीं मिलेगी। हाँ। ये वाली मिट्टी में देखो काका बता रहे हैं कि इसमें केमिकल नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें केमिकल मिलेगा जो कंपनियों में और फैक्ट्रियों में बनता है। हाँ हाँ, बड़ा रंग रोगन में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रहता केमिकल है, वो डिजाइनदार होता है। डिजाइनदार? हाँ। जी, सादा सैंपल। जी जी, लेकिन दिखावट के लिए तो लोग वही वाले ज्यादा ले जाते हैं। शादी ब्याह में खीर है, तमाम चीजें है, तो इस तरह का जाना खाली फिर दूसरा ले बना जाते फिर वो। हाँ, जाना खाली भी ले नहीं जाएगा, फिर दोबारा लेने नहीं जाएगा। हाँ। ऐसा क्यों? बतलिए तो चीज खराब है तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, वो पता चल जाता है। पता चल जाता है, लेकिन फिर भी जगह जगह लोगो बनाते जा रहे हैं तो लेते जा रहे हैं, गांव देहात शहर सब जगह पर। लेन दो, कोई बात नहीं। तो अब कैसे खर्चा बर्चा चला पाते हो? खर्चा चलाते हैं, पर जीवन काटने के लिए आप 100-200 से बढ़ा देते हैं। 100-200? हाँ। वही में काकी हैं आप? हाँ, हाँ। तो जिंदगी जैसे गुजर बसर करते हो? छैया छा पड़ी है। छैया छा पड़ी है। कई बजे सुबह का मेहनत शुरू कर? मैं बैठाता हूँ 10 बजे सुबह। अच्छा, 2 बजे छोड़ देता हूँ। 2 बजे छोड़ देते हो? अच्छा, रोटी पानी खा के 10 बजे बैठ जाते हो? हाँ। और 2 बजे छोड़ देता हूँ। और पकाते कई बजे हो? पकाते को 10 बजे माल तैयार है जाएगा, तो दोपहर के लगा लगाए दो संध्या तक। कंडा अंडा ले आके? हाँ। और लगा लेते हो? हाँ। आँच आँच करके पक जाता अच्छे से? हाँ जी। अच्छा, दीपावली में क्या जो है ये मिट्टी के जो दिए हैं वो कम बिकते हैं? हाँ, अब पहले की अपेक्षा? अब ना जी, अब झालर लाइट के, अब तेल कितना महंगा है, तेल भी महंगा हो गया। अच्छा, लोग झालर लगा लेते हैं, 24 घंटे कोई जलती है। कोई लेगा 5 रुपया की जी, कोई लेगा 10 रुपया की जी। जो पुराने आदमी हैं वो अपने 100-150 तो ले जाओ जी। जी जी जी, क्या कंट कह रहा हूँ मैं जी। हाँ जी, तो पहले जैसा अब नहीं है? हाँ, अब नहीं है, पहले खूब बिक्री हुआ, पहले खूब बिक्री होती जी। तो काका ये अब है कि निरे? अब निरे हो गए, जगह जगह धक रहे हैं डिजाइन के। जी जी जी, मैं बता दूं। हाँ हाँ, डिजाइन हम पे तो बनता ना पाई। नहीं, लाइट आइट की जो झालरें आ जाती हैं, हाँ, उससे मिट्टी के दिए ये थोड़े कम बिकते ना। हाँ हाँ, क्योंकि लाइट आइट लोग लगा लेते, एक बार जलती रहती है। हाँ, अब इसमें तेल डालो, वो करो। आरकस सह गए? 8-10 हो गए। आरकस सह गए? आरकस आलकस हो गए। अच्छा, काका ये कह रहे हैं, यहाँ की भाषा बोल के कह रहे हैं, आलकस हो गए यानी आलसी हो गए हैं अब लोग। अब झालर लगा लेते हैं, मिट्टी का दिया बनाना, दीपक बनाना, तेल डालना, अब वो लोगों को सफरता नहीं है। हाँ। तो इसलिए जो है अब ये काका का कहना है कि झालरें लगाकर लोग मिट्टी के दिए छोड़ते चले जा रहे हैं जी। तो अब जिंदगी का क्या मतलब, क्या अभी कोई ख्वाहिश, कोई कुछ मन में तमन्ना? अब खास तो यही है, ना कुछ चाहिए ना भीख मांग रहे खाओ पे। अच्छा, हमारा लौट आए बीच को। छोटे छोटे लड़ाई बाकी हाथ के लिए जाते हैं। अच्छा। घर में प्राणी है 5। हाँ। और जी इकला तो का कहते हैं, 7 को बहुत ही रहूं। अच्छा अच्छा अच्छा, 7 को बहुत ही रहा है। हाँ। घर में गाल बजाते हैं, जाके गाल बजाते हैं। हाँ। अच्छा, पिट पटा के नहीं, हमारे माँ पहुँच गए नौर का बाट में। अच्छा, घुंट सूटी कह के एक ढीमर के थी। अच्छा। हाँ, तो ये नहीं कि बूढ़े बाप हैं तो उनकी सेवा करे? हम ना चाह रहे सेवा। आप सेवा नहीं चाह रहे ना? अरे कमा तो कमा के देते रहो। अच्छा। हाँ। 80 साल के हो गए तो अब तो। हाँ, हाथ पैर तो कम। चलो दे दो, बहुत तेरा दे दिया, बहुत दे दियो जी। लेकिन चेतते नहीं कि बाप की सेवा करें, पिता की? हम राजीव ना है, हम तो उनकी सूची कह रहे हैं। अच्छा, क्या प्लॉटा में रहते, ईंट फेंक के मार दो। हमने आपको ईंट मारा? हाँ, मारी नहीं, मारे उनका उठा दी, तो आप पर ईंट उठा दिया। हाँ। तो आप तो बाबा, ये बच्चों में क्यों बदलाव आ गया, काहे ऐसा बिहार आ गई? मोबाइल थे। हाँ, बड़े बूढ़े की माने नहीं, मोबाइल देखते रहे। बड़ी बूढ़ी की माने नहीं जी,
घर में जो मन में आई बात कह रहे हैं। जी जी, मतलब मोबाइल ने जो है सब खेल बिगाड़ दिया है। हाँ। जी जी, बच्चे मान के नहीं है। हाँ। जी। तो कुल मिला के बाबा बस मेहनत पर ही भरोसा है कि हाँ, मेहनत में भरोसा है साहब, कि चाहे जो भी हो मेहनत नहीं छोड़ेंगे। नहीं 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 जी जी हाँ। तो बाबा का ये कहना है कि उम्र भले ही बढ़ती जाए लेकिन जब तक सांस है, जब तक ताकत है शरीर में, तब तक मेहनत करते रहेंगे, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे। और जैसे है अपनी जिंदगी और अपनी पत्नी की जिंदगी पार करते रहेंगे। उनकी पत्नी को देखो, छोटे छोटे वो भी गौरी बना रही हैं, कलश बनाती हैं, कुछ सामान है छोटे दिए दियाली उसको रखती हैं, और रखने के बाद उसे बेचकर किसी तरह से परिवार का खर्च चलाते हैं। उदयराम काका भारत में एक नहीं, बहुत सारे ऐसे उदयराम काका हैं जिनकी कहानियां हैं, जो अपनी मेहनत से पूरे परिवार का, अपने घर का खर्चा निकालते हैं। यही उदयराम काका इसी माटी से, इसी दीपक से, इसी कलश से और तमाम ऐसे मिट्टी के सामानों से उन्होंने 8 बच्चों को पाला और पोसा। लेकिन आज जिंदगी इस मोड़ पर है कि जिस उम्र में 80 वर्ष की उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए, उन्हें अब शरीर को थोड़ा आराम देना चाहिए, आज शरीर को आराम ना देकर आज भी मेहनत करने के लिए मजबूर हैं। आप उदयराम काका की मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो आप सबको QR कोड नंबर दिया है, आप सब उदयराम काका की मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं।